हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ काम चालू है मूवी को। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी का विलन अब तक किसी टेररिस्ट से भी ज्यादा जाने ले चुका है इंडिया में। इसके अगेंस्ट एक कॉमन मैन मनोज पाटिल ने 20 साल तक फाइट की और अभी भी काम चालू है। मूवी को बस टू वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो ये एक इमोशनल जर्नी है। स्टोरी ज्यादा बिग नहीं है, थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर ट्रू स्टोरी है बिना किसी एक्स्ट्रा मेलो ड्रामा के। तो इस इंस्पायरिंग स्टोरी को एंड तक देखना। ये मूवी मनोज पाटिल की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। एक ऐसा फादर जिसने अपने दुख को पावरफुल मूवमेंट में चेंज कर दिया। राजपाल यादव इस मूवी के मेन लीड हैं। ये एक कॉमेडियन एक्टर तो है ही, पर इस मूवी के थ्रू इन्होंने अगेन प्रूव कर दिया है कि ये वर्सेटाइल एक्टर हैं। अपनी लास्ट मूवी अर्थ की जबरदस्त एक्टिंग के बाद अब एक बार अगेन अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने आ गए हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मूवी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से। यहाँ मनोज और उसकी बेटी गर्विता नॉर्मल फादर और डॉटर वाली बातें कर रहे हैं। गर्विता का ड्रीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने का है और मनोज अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है तो इसको फुल सपोर्ट कर रहा है। बस गर्विता की मॉम राधा को स्पोर्ट के साथ साथ गर्विता की स्टडीज की भी फिक्र है, इसलिए थोड़ी चिक चिक करती रहती है। तो दोनों बाप बेटी का प्लान है कि गर्विता बड़ी होकर शादी करेगी और मनोज को अपने साथ ले जाएगी। फिर मनोज राधा को डिवोर्स दे देगा। फुल प्रूफ प्लान है, इनकी लाइफ सेट है, बस गर्विता बड़ी हो जाए। मनोज पूरी फिल्म में गर्विता को अच्छी बातें सिखाता नजर आता है। फिलहाल मनोज अपनी बेटी को डेली प्रैक्टिस के लिए ले जाता है और वहां से वापस आकर राधा गर्विता को स्कूल भेजती है। गर्विता स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडीज में भी बहुत अच्छी है। इसके कोच ने बस थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करने को बोला है। उसके बाद गर्विता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेल पाएगी और उसके बाद इंडिया के लिए खेलेगी। राधा का मन अपना पार्लर का कोर्स करने का है पर मनोज इसके अगेंस्ट था। पर फिर इनकी बेटी ने इनके बीच फाइट होने ही नहीं दी, ये मनोज को मना ली। गर्विता के लिए इसके फादर हीरो हैं। अब कुछ डेज ट्रेनिंग के बाद फाइनली गर्विता कल मुंबई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने। मनोज की फैमिली बहुत हैप्पी थी, बट फिर एक गड्ढे की वजह से मनोज की स्कूटी गिर गई और गर्विता के सर पर पत्थर टकराने की वजह से चोट आ गई। मनोज अपनी बेटी को गोद में लेकर हॉस्पिटल गया, बट डॉक्टर्स उसको नहीं बचा पाते। बस एक गड्ढे की वजह से मनोज की फैमिली की सारी खुशियां चली गई। गर्विता सबसे ज्यादा क्लोज मनोज के थी। मनोज गर्विता की डेथ के बाद पागल सा हो गया था। कभी प्लेग्राउंड और कभी स्कूल में गर्विता को ढूंढने चला जाता था। कभी कभी तो इसको गर्विता दिखाई भी देती थी। राधा इसको नहीं संभाल पा रही थी। फिर मनोज को रास्ते में वही गड्ढा दिखा जिसकी वजह से गर्विता की डेथ हुई थी, तो मनोज को गुस्सा आ गया और ये पुलिस स्टेशन उसी गड्ढे के अगेंस्ट कंप्लेन लिखाने चला गया। पुलिस को मनोज के लिए हमदर्दी तो है, पर गड्ढे के अगेंस्ट क्या ही कंप्लेन कर सकते थे। तो इन्होंने मनोज को उस आदमी का पता लगाने भेजा जिसकी वजह से गड्ढा बना था। अब मनोज बीएमसी ऑफिस गया, बट यहाँ से 4 मंथ्स तक बहाना मिलता रहा कि आज ऑफिसर बिजी है, आज छुट्टी पर है, कल आना। फिर 4 मंथ्स बाद जब मनोज को ऑफिसर मिला, ये मनोज को कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने को बोल दिया। टूटी सड़क के लिए वही कॉन्ट्रैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, ये लोग नहीं। ये तो मनोज को उसकी बेटी के बदले बस मुआवजा दिलवा सकते हैं, पर मनोज और राधा को मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। अब ये उस कॉन्ट्रैक्टर के पास गए। मनोज को अब पता था कि इसकी बेटी की डेथ किसकी वजह से हुई है। ये उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ फाइट करता है, पर कॉन्ट्रैक्टर ने मनोज को घर के बाहर फेंकवा दिया। राधा भी मनोज को सिस्टम के अगेंस्ट फाइट ना करने को बोल रही है। ये पूरे सिस्टम से तो फाइट नहीं कर सकते, ना ही इनको गवर्नमेंट की साइड से कोई हेल्प मिलने वाली थी, क्योंकि क्रिमिनल एक गड्ढा है जिसको कोई सजा नहीं दे सकता। अब मनोज उस कॉन्ट्रैक्टर को जान से मारने चला गया। वहाँ कॉन्ट्रैक्टर की बेटी ने अपने फादर को बचाया। मनोज को कुछ सेकंड के लिए लगा कि ये इसी की बेटी है। अब जाके मनोज का पागलपन ठीक हुआ। ये किसी बच्ची को तो अनाथ नहीं बना सकता था। इतने टाइम के बाद अब मनोज ने अपनी बेटी की अस्थियों को बहाया। कुछ टाइम बाद न्यूज में गड्ढे की वजह से एक और बेटी के जान जाने की न्यूज आई। बस तब से मनोज ने रोना छोड़ दिया और सामान लेकर गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया। तब से आज तक मनोज रोड के गड्ढों को भरने का काम कर रहा है ताकि जो इसकी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। मूवी के एंड में उस रियल लीजेंडरी हीरो मनोज पाटिल को भी दिखाया जाता है। इसका ड्रीम देश से इस गड्ढे वाली बीमारी को खत्म करना है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है, पर मनोज का काम अभी भी चालू है।
अकॉर्डिंग टू मी ये मूवी इंडिया के उस सिविल इशू को एड्रेस करती है जिसकी वजह से हर साल बहुत सारी जाने जाती है। मूवी फर्स्ट हाफ में बहुत ही स्लो फील होती है और सेकंड हाफ जब मनोज की पूरी लाइफ शटर हो चुकी है और गवर्नमेंट में भी इसकी कोई नहीं सुन रहा तब मूवी रिलेटेबल लगनी स्टार्ट होती है। राजपाल यादव की एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक लगती है कि मनोज के पेन को ऑडियंस पूरे तरीके से फील कर पाती है। वन टाइम वॉच के लिए ये रियल एक्सपीरियंस दिलाने वाली मूवी मस्ट है। मूवी देखने के बाद अंदर से फीलिंग आएगी कि ऐसी मूवी और बननी चाहिए जो रियलिटी को टच करे। इस मूवी की एक्सीलेंस को आईएमडीबी के रेटिंग ग्राफ में देखा जा सकता है। आईएमडीबी ने इसको 10/10 की रेटिंग दी है। मनोज पाटिल ने अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल सेट किया है। राजपाल यादव ने भी अपनी एक्टिंग से कुछ ऐसी ही छाप बॉलीवुड पर छोड़ दी है। मूवी 1.5 आवर की है तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसको आप G5 ऐप का सब्सक्रिप्शन लेकर देख सकते हो या गूगल पर काम चालू है इतना सर्च करो और स्क्रॉल करके G5 वेबसाइट पर जाओ। यहाँ फ्री में HD क्वालिटी में देख पाओगे। IMDB जैसी रेप्यूटेड वेबसाइट ने इसको 10/10 रेटिंग दी है तो मूवी में कुछ तो स्पेशल है। आपको इस मूवी को देखने को एक चांस तो देना चाहिए। ये एक अंडररेटेड मूवी जैम साबित होने वाली है। 1.5 आवर तक बस स्टोरी ही देखने को मिलेगी, कोई फालतू नाच गाना नहीं। ऑडियंस से भी इसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही देखने को मिल रहा है। लो बजट में बनी ये मूवी प्रूव करती है कि एक अच्छी स्टोरी लाइन और ब्रिलियंट एक्टर की हेल्प से किसी भी मूवी को आम से खास बनाया जा सकता है। मैं रिकमेंड करूंगी कि इस मूवी को जरूर से देखना, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। इस मूवी को मांझी जैसी सुपरहिट मूवी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे उसमें कुछ इंसिडेंट होता है और हीरो एक मिशन पर लग जाता है, सेम वही फीलिंग आपको इस मूवी के अंदर आएगी। मूवी का बस एक ड्रॉबैक है कि फर्स्ट हाफ तो स्टोरी को बिल्डअप करने में निकल जाता है और सेकंड हाफ इतना फास्ट है कि लगने लगता है कि ये मूवी 2 आवर्स तक इजीली हो सकती थी। एंडिंग को फास्ट किया गया है, मूवी से गूज़बम्प भी नहीं आते, बस इसमें फेल हो जाती है। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जिसमें आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। Hey guys, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप, अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।